हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज मैं बहुत ही जरूरी बात करने वाला हूं उन लोगों के लिए जो लोग इंडिया में कोवैक्सीन लगवा चुके हैं, यानी जिन्होंने इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगवाई है बल्कि जिन्होंने कोवैक्सीन लगवा ली है, या इसके अलावा जिन्होंने अभी तक कोई वैक्सीन ही नहीं लगवाई है, तो वो लोग इंडिया से सऊदी अरब कैसे जाएंगे या कैसे जा सकते हैं, उनके लिए मैं बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप फ्लाइट और ट्रेवल्स की खबरों से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, ट्रेवल्स के नियम जानना चाहते हैं, पासपोर्ट वीज़ा टिकट से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई यूज़फुल वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो लोग इंडिया में कोवैक्सीन लगवा चुके हैं, जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगवाई है, इसके अलावा जिन्होंने अभी तक कोई वैक्सीन ही नहीं लगवाई है, ना कोवैक्सीन लगवाई है ना कोविशील्ड लगवाई है, तो वो लोग सऊदी अरब कैसे जाएं इंडिया से। तो उन लोगों की बात करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडिया में कोवैक्सीन लगवा ली, क्योंकि शुरू में जब वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल हुआ, इंडिया में वैक्सीन आया, अभी जो अवेलेबल है वो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, और शुरुआत में ऐसा कुछ था भी नहीं कि ये वैक्सीन लगवाने वाले जाएंगे, ये वैक्सीन लगवाने वाले नहीं जाएंगे, ऐसा था भी कुछ नहीं। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि कोविशील्ड लगवाने वालों को जाने की परमिशन है, वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं। हालांकि कोविशील्ड को लेकर अभी भी कुछ देशों के साथ में दिक्कतें हैं, इसके अलावा कोवैक्सीन को तो अभी WHO ने अप्रूव भी नहीं किया है, जिसकी वजह से लोग नहीं जा पा रहे हैं दूसरे देशों में। तो अब बात सऊदी की करते हैं कि इंडिया से सऊदी आप कैसे जाएंगे अगर आपने कोवैक्सीन लगवा ली है। तो दोस्तों इंडिया से सऊदी जाने के लिए अभी आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आपने इंडिया में कोवैक्सीन लगवा ली है तो आपके पास दो रास्ते हैं इंडिया से सऊदी जाने के लिए। आप वाया मालदीव होकर जा सकते हो सऊदी, और वाया दुबई होकर भी सऊदी अरब जा सकते हो। वाया मालदीव जाने के लिए मालदीव में वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, इंडिया में कोई सी भी वैक्सीन लगी हो या ना भी लगी हो तो भी आप इंडिया से मालदीव जा सकते हो। 14 दिन आपको मालदीव में स्टे करना है और फिर मालदीव से सऊदी अरब चले जाना है। लेकिन क्योंकि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है या कोवैक्सीन लगवाई है, इसलिए आप जब मालदीव से सऊदी अरब ट्रेवल करेंगे तो सऊदी अरब का भी पैकेज आपको 5 दिन क्वारंटीन का लेना होगा। ये खर्चा आपका बढ़ जाएगा, जो 45 से 50 हज़ार रुपये आपके खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया से मालदीव का पैकेज लगभग 1,35,000-1,40,000 के आसपास है, प्लस आप उसमें 45 से 50 हज़ार और जोड़ लीजिए, यानी लगभग 1,80,000 या 1,90,000 के आसपास आपका टोटल खर्चा आएगा अगर आपने इंडिया में कोवैक्सीन लगवा ली है। तो ये मालदीव का हो गया जो महंगा है। लेकिन अब इससे सस्ता तरीका बताता हूँ, इससे सस्ता रास्ता बताता हूँ कि किस तरीके से आप इससे कम खर्चे में इंडिया से सऊदी अरब जाएंगे वाया दुबई होकर। जी हाँ, वाया दुबई होकर। दुबई ट्रेवल गाइडलाइन आपने देखी होगी, जिसमें दुबई जाने के लिए आपको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, विदाउट वैक्सीनेशन भी आप दुबई जा सकते हो। इंडिया से अगर आप दुबई जाना चाहते हो तो विदाउट वैक्सीनेशन भी आप जा सकते हो, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वैक्सीनेशन ही हो। तो अगर आप दुबई से जाना जाएंगे तो खर्चा कितना आएगा, क्योंकि दुबई का पैकेज आज की तारीख में लगभग 90,000 के आसपास, अगर मोटा माटी माने तो 90,000 के आसपास आज पैकेज है आज की तारीख में, और सऊदी अरब 5 दिन क्वारंटीन का जोड़ लीजिए, लगभग 45 से 50 हज़ार यानी 1,40,000 के आसपास का पूरा पैकेज आपका आएगा अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं इंडिया से सऊदी अरब वाया दुबई होकर और आपने इंडिया में कोवैक्सीन लगवाई हुई है। लेकिन दुबई जब आप इंडिया से जाएंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप अनवैक्सीनेटेड हैं, आपने कोवैक्सीन लगवाई है जो मान्य नहीं है, ये चीज़ें हैं। तो दुबई जाने के लिए आपको जो एयरलाइंस चूज करना है, जो एयरलाइंस चुनना है कि इंडिया से जब आप दुबई ट्रेवल करेंगे तो कौन से एयरलाइंस का टिकट लेंगे, क्योंकि अभी भी इंडिया की कुछ एयरलाइंस हैं जो बोर्डिंग नहीं दे रही हैं विदाउट वैक्सीनेशन वालों को या कोवैक्सीन वालों को। तो इंडिया में आप जब टिकट लेंगे दुबई के लिए तो कोशिश करना कि आप फ्लाई दुबई का टिकट लें, क्योंकि फ्लाई दुबई बोर्डिंग करने दे रही है विदाउट वैक्सीनेशन वालों का। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपने इंडिया में कोवैक्सीन लगवा ली है जिसको WHO ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, या इसके अलावा अभी तक कोई वैक्सीन ही नहीं लगवाई है और सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो वाया मालदीव होकर या वाया दुबई होकर आप सऊदी अरब जा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे कोई अपडेट होगी वैक्सीन को लेकर, इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर, या और कोई यूजफुल जानकारी होगी जो आपके काम के लायक होगी तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।